राहुल तो आज एक फोन आया था। एक्चुअली मैं शॉप का सामान सेल करना है, मुझे ना शॉप बंद कर दी है मैंने, तो शायद आज उसका फोन आया था राहुल का, कोई कस्टमर होगा वो, तो उससे बात हुई थी मैंने सामान के बारे में। वही है ना, आवाज़ आई है, आपने कुछ नाम वगैरह दिया? आज ही फोन आया था उसका। कौन था किसी दुखता था पहले मेरे पास लड़का जॉब करता था, उसकी वाइफ का दर्द करता था, तो फिर हम ना क्यों करते हैं? नहीं मतलब हमारे फैमिली में किसी का नहीं दर्द है, जो बेटा घर में है वो उसका आ जाएगा। नहीं घर में भी नहीं है वो, जो घर में आया है जो अपने किया है। अच्छा ठीक है, आप जोत लगा रहे हो, महामाई की जोत लगा रही है घर में, तो आप कैसे ना करोगे? देख रही हूँ तेरा।
तभी पसंद नहीं चल रही मैं इसके पास, और इसे पता भी नहीं है कुछ भी, इसीलिए भटक रही है ये, इसीलिए भटक रही है, बिना गुरु के गद्दी चला रही है ये। हाँ बहुत बार मना किया मैंने। तो देख कितने संकट में गिरी है। हाँ इसीलिए तो गुरु की तलाश में है ये मेरे से प्रार्थना करती है मुझे अच्छा गुरु दिला दे माँ, मुझे अच्छा गुरु दिला दे, मुझे रास्ता दिखा ना माँ। क्यों लेके आई हूँ इसे इतनी दूर, क्यों लाई हूँ मैं इसे इतनी दूर? तो फिर हुक्म भी करो क्या करे इसका, इसका उद्धार करो। उद्धार तो माँ तू करेगी बेटा, मैं उद्धार करूंगी लेकिन रास्ते पे चलना इसे गुरु ही सिखाएगा, इसे गुरु बताएगा रास्ते पे चलना। बिल्कुल बिल्कुल माँ, गुरु का भी आप ही देगी मार्ग। अभी क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने अभी, क्यों लेके आई हूँ मैं इसे यहाँ इतनी दूर, कोई बात क्यों लाई हूँ? वचन होगा तो मैं हाँ गुरु बनाने के लिए आई है ये, इसके पहले कारण सिद्ध करो, इसको विश्वास दिलाओ कि तुम उसके लिए अच्छे गुरु योग्य गुरु बन सकते हो। कार्य तो सिद्ध तूने करने है माँ, गद्दी लगा के बिना गुरु के इतना कष्ट झेल रही है, किसी ने बताया नहीं? मैंने खुद बताया इसे, मैंने खुद बताया हुआ है, मगर क्या करे मेरी बच्ची ये बहुत, अगर कोई इसके पास आ जाता है ना ये नहीं मना कर पाती उसे, बल्कि मेरी इजाजत नहीं है इसको गद्दी देने की, बिल्कुल गद्दी मैं इसको मना करती हूँ, गद्दी पे किसी को कुछ पूछा नहीं देनी है, कुछ नहीं बोलना, लेकिन जब कोई इसके पास फरियादी आता है ये नहीं मना कर सकती किसी को भी, ये मजबूर होके बैठ जाती है बस मुझसे प्रार्थना करने के लिए। गुरु की चाहत लेके आई है गुरु की चाहत लेके आई है, लेकिन ये गुरु को परखने भी आई है। हाँ कि मेरे पहले कार्य सिद्ध होंगे तो मैं उसे ही गुरु बनाऊंगी। कोई बात नहीं परखने दे, आगे भी तू ही है बेटा, इसके कारज बना। हाँ। इसको सही राह दिखा बेटा। हाँ। सही राह दिखा इसे, पर माँ मुझे शांत रूप तेरा पसंद है। बेटा मैं बहुत शांत हूँ। हाँ। तू देख रही है ना मेरा रूप, देख रही है ना तू किस रूप में मैं सामने खड़ी हूँ। हाँ। मैं बहुत शांत रूप में हूँ, बिल्कुल शांत रूप में बचन चल ना फिर। जयकारा काल का माई का, बोल सच्चे दरबार की जय। बिना गुरु के बेटा गद्दी लगा ली, इतना हशर तू पूरा कर दिया। क्या बोलूँ माता जी, मेरे से ना बस अगर कोई आ जाता ना मेरे से नहीं बर्दाश्त होता, किसी का भी दुख है कुछ है, मैं बता तो रही हूँ कि मैंने वो जो मेरे पास लड़का काम करता था उसकी वाइफ के कान में बहुत दर्द था, मैंने बल्कि उसको बताया भी नहीं, किसी ने उसको बता दिया कि मैडम के पास चला जा, मैडम ज़्यादा बता देंगे। वो आ गया, मैडम जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब हो गया, आप तो झाड़ा लगा दी, मुझे तो बैठ गया, मैंने उसको झाड़ा दे दिया। दो दिन बाद वही प्रॉब्लम मुझे होने लगी, मेरे को कान में ऐसे लगा कोई चीज़ चल रही है मेरे कान के अंदर। देखो मेरा पहला सवाल था बेटा कि किसी का कान दर्द हुआ है, किसका हुआ है? फिर मैंने, अब मेरे को तो समझ में ना आए। हाँ। मेरे को आधी रात को जाग खुली, मैंने कहा, मैंने अपने बेटे को कहा, बड़े को मैंने कहा मेरे कान में कुछ गया है। कह रहे क्या गया मम्मी? मैंने कहा पता नहीं कीड़ी जैसे ना कोई चीज़ अंदर गई है मेरे कान के अंदर, मैंने तेल गर्म करके डाल लिया, उसके बाद मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर मैं बैठी, माता रानी को बुलाया, माता रानी झाड़ा लगा के गई, माता रानी ने बोला कि उसके ऊपर चीज़ थी जिस वजह से उसको कान में दर्द हो रहा था, और वो चीज़ ने इसके ऊपर अटैक किया है इसलिए इसको कान में दर्द हुआ है। फिर झाड़ा लगाया, उसके बाद मेरा कान में दर्द ठीक हुआ। वही ना, मैं किसी को मना नहीं कर पाती बस, वैसे मुझे इजाज़त नहीं है, माता रानी मेरे को मना करते हैं कि नहीं तो मैं बिल्कुल किसी को कुछ बताना नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, कुछ नहीं करना। बेटा बिना गुरु के तो संकट ही संकट है, संकट सारी उतल मचा रखी है ना तन्ने घर में, पूरी तरह से एक बैठते उठता है दूसरे की दवाई लेने चली जाती है।
जाती है नहीं जाती? बहुत बीमार रही हूँ अभी। और तेरा कारोबार भी दुकान तो बंद ही होगी, इतना अच्छा मेरा काम था ना, शोरूम था मेरा, अब बंद कर दिया मैंने, काम बिल्कुल ही नहीं था दुकान में, क्या करूँ। तो बस ऐसे बहुत टेंशन हो रही है, परेशानियाँ जो तो लगा रही है मारा बहुत नहीं जा रहा, मुझे पता ही नहीं, पूजा बस पूजा करने का पता है, जो जला लेते पूजा कर लेते हैं, और इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है।